What's up guys? Hi, this is Ashish and you watching my channel Vlog Venom. बजाऊं? नहीं. So guys, कैसे हो आप लोग? I'm so sorry कि मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ एंड बीच में कुछ इश्यू भी हो गया था कि एक फ्रेंड का वीडियो शूट किया बट कि उनके डैड को नहीं चाहिए था कि उनका वीडियो मैं यू नो डालूँ अपने यूट्यूब वीडियोज़ में. सो ठीक है यार, मतलब आई रिस्पेक्ट एवरी पेरेंट्स एंड सब अपने बच्चे के लिए यू नो अच्छा ही सोचते हैं. सो देर इज़ नो हार्म इन दैट. तो मैंने इसलिए वो लास्ट वाला जो वीडियो आपने देखा होगा वो डिलीट करके मैंने वापस री अपलोड किया. सो आई नो, आई रिस्पेक्ट पेरेंट्स, जो भी उनका डिसीजन होता है. एंड यस गाइस, सो देख सकते हो, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सो गाइस, पहली बात तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था काफ़ी टाइम से. एक महीना हो गया ऑलमोस्ट. मैं क्योंकि शूट में भी फंसा था एंड मुझे वायरल फीवर भी हुआ था और मेरे में स्टैमिना ही नहीं था बिकॉज जो भी मैं डोसेज ले रहा था, मतलब जो भी मैं दवाइयाँ ले रहा था, सो आप बोल सकते हो कि इतना नींद आ रहा था मुझे, इतना नींद आ रहा था, मतलब हद पार नींद आ रहा था, आपको क्या ही बताऊँ मैं. तो वो थोड़ा ओवर पावर था बट अब मैं ठीक हूँ कम्प्लीटली. थोड़ा वीकनेस है बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोप अप करूँ सब चीज़ों में एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस को रुकना पड़े. अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ हो सकता है थोड़े वर्ड्स मेरे इधर उधर हो जाए क्योंकि मेरा ये वाला जो लास्ट का टीथ है वो विजडम टीथ निकाला हुआ है. सो कैसे बात कर रहा हूँ मुझे पता है. ओके, सो यस, आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया होगा, पोको ने हक दिया, रायता फैला दिया है. यस मतलब क्या बताओ यार, मेरा एक वीडियो मैंने शूट किया था रिलेटेड टू पोको से, मैंने फोटोग्राफी किया था, वो वीडियो का कुछ 22,000 व्यूज गया बट देन मतलब क्यों करते हैं, क्या करता, क्या मिलता है इनको ये सब करके, मुझे एक पता नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ. सो एक ऑनेस्ट रिव्यू है, मैंने फ़ोन अगर मैं बताऊँ तो मैं पहली बार तो नई चीज़ें जल्दी लेता नहीं हूँ एंड लूँगा भी तो मैं ट्राई करता हूँ कि सेकेंड हैंड में अगर मुझे मिल जाए वो चीज़ ओके तो मैं अफोर्डेबल प्राइस में ले लेता हूँ. तो मैंने पोको X2 जो लिया था मेरा 128 GB था और 6 GB या 8 GB, आई थिंक 6 GB रैम था कुछ, मैंने लिया था फ़ोन एंड एक साल तक, मतलब एक साल बोल सकते हो अच्छा चला, कुछ ग्लिच नहीं था, कुछ भी नहीं था. एंड मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, काफ़ी यूज़र्स के साथ भी हुआ जो जिन्होंने अपना फ़ोन अपग्रेड किया है, जैसे 12 point something उन्होंने अब वो वर्जन था कुछ, तो उस अपग्रेड करने के बाद में किसी का टच नहीं चल रहा है एंड किसी का कैमरा फ्रीज हुआ. ओके, सो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा कि ये फ़ोन बहुत अच्छा था, ठीक है, अब अच्छा था मतलब है अभी भी बट आफ्टर अपडेट इन्होंने जो किया है वो पोको ने हक दिया है. एंड ऐसा नहीं कि छोटा मोटा हका, बहुत ज़्यादा तादाद में हका है कि ये सिर्फ मैं नहीं फेस कर रहा हूँ, ये काफ़ी सारे यूज़र्स फेस कर रहे हैं इस चीज़ को. मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखे तो मेरे को लगा कि मैं भी एक रिव्यू बना के डाल दूँ, ऑनेस्ट रिव्यू. मैं आज गया था पोको के सर्विस सेंटर में गया था मैं एंड मैंने उनको दिखाया तो मेरा फ़ोन तो बट ऑब्वियसली साल भर का वारंटी होता है एंड जो भी इश्यू हुआ है वो साल भर के बाद में ही हुआ है. मेरे वजह से 3 जन ने ये फ़ोन ख़रीदा था, मतलब मेरे दोस्त लोग ने खरीदा था, मेरी बहन ने खरीदा और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है उसने खरीदा था मेरे बोलने पे. मेरी और एक दोस्त को फ़ोन लेना था तो मैंने सजेस्ट किया था उसको, लेकिन नसीब से मेरा ये अगर इश्यू चालू हुआ और मैंने रिसर्च किया एंड लकीली मैंने उसको मना कर दिया बिकॉज शी वॉज गोइंग टू टेक दिस फ़ोन. एंड फिर मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब ओके. सो आपको बता देता हूँ कि इसमें पहली बात तो इश्यू क्या हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ. ये है फ़ोन, ओके, ये दूसरा फ़ोन है, ये पोको X2 है, आप लोग देख सकते हो. ओके, सो तो उन्होंने बोला कि आपको फॉर्मेट, आपका जो कैच फाइल जो होता है कैमरा का, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा एंड देन इट वुड रन. बट मतलब ही नहीं था, मैंने करके भी देखा और नसीब से मेरे पास ये दूसरा फ़ोन था तब जाके मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, वरना इसके वजह से तो मैं मर गया होता क्योंकि मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ. मेरे को काफ़ी चीज़ें होती है जो मेरे मतलब फ़ोन पे डिपेंडेंट होती है, मतलब किसका कुछ शॉट डिज़ाइनिंग कैसा करना है, क्या कुछ करना है, तो मैं फ़ोन से पहले करता हूँ तब जाके मैं कैमरे में शूट करता हूँ. बट अगर किसी के पास दूसरा फ़ोन नहीं है अवेलेबल, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना सारा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आते जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो कैरी नहीं कर पाते हैं, तो आपको फ़ोन से
यू नो पिक्चर्स वगैरह लेके आपको रखना पड़ता है, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर किसको दिखाना हो तो दिखा सकते। जैसे मैं अभी मेरा जो है इंश्योरेंस एंड पीयूसी कैरी नहीं करता हूँ, तो मैं फ़ोन से क्लिक करके उसका एक कॉपी ले लेता हूँ एंड मैं फ़ोन में रखता हूँ उसको। सो वो इशू कोई नहीं क्लिक कर सकता है। काफ़ी ऐसे मतलब सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो आपके कैमरे के थ्रू होती है। ओके 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, मतलब सेकेंड हैंड, तो मैंने तो फिर भी सेकेंड हैंड लिया था। बाकी लोग ने जिन्होंने नया लिया होगा तो आप सोच सकते हो कि कितना पैसा गया उनका। मतलब आई नो इट्स हार्ड अर्न मनी है यार, पोको को ये समझना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड मैं वन प्लस यूज़र था, ठीक है, एंड मेरे को इतना फ़ोन में इन्वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि मैं सोचा कि दूसरा देखता हूँ। बट मैंने रिव्यूज़ पढ़ा एंड पोको का मेरे को कैमरा क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा, मतलब मेरा वीडियो भी वायरल हुआ उसकी वजह से। एक अगर मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा कि पोको से फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, बट अभी कैमरा चल रहा नहीं है तो यू कैन नॉट डू फोटोग्राफी। ओके सो इनका मेजर इशू क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कैमरा मैंने रिसेट कर, मैं तो पूरा डिवाइस न्यू कर दिया मैंने, आप देख सकते हो ये पूरा डिवाइस न्यू कर दिया। एंड इनका जो मेजर इशू आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका फ़ोन, ओके। एंड अगर आप कैमरे पे क्लिक करोगे तो दिख रहा है आपको कैसे ब्लैंक हो गया, ये पूरा ब्लैंक हो चुका है, ये देख सकते हो। मैं कुछ भी क्लिक करूँगा कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, पूरा डेड हो गया मतलब। और ये वो बोल रहे हैं कि कुछ पोको इसमें गए थे तो काफ़ी लोग का रिव्यू भी आया कि मदरबोर्ड चेंज करने बोला है, काफ़ी लोग का रिव्यू आया कि उन्होंने मदरबोर्ड भी चेंज करने बोला है। अब जिनका वारंटी में है उनका फ्री में हो जा रहा है, बट जिनका वारंटी में नहीं है दे पोको आर चार्जिंग देम लाइक 6 to 7,000, 8,000 रुपीज, किसी किसी को तो 13,000 भी चार्ज किया हुआ है। सो अब 13,000 का फ़ोन है, मैंने सेकेंड हैंड में 13,500 का फ़ोन लिया है, तो आप सोच सकते हो कि 13,000 का मैं अगर मदरबोर्ड चेंज कराऊंगा तो इससे अच्छा मैं नया फ़ोन ही ले लूँ यार। एंड पोको का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज गलती उनके साइड से। अगर एक दो का होता, मतलब 100 जन का भी होता तो भी समझ में आता, लेकिन आप अगर रेडिट पे जाओगे, पोको का जो मेजर ग्रुप मेन ग्रुप है फेसबुक पे, मैंने वहाँ पे भी लिखा हुआ है, वहाँ पे मतलब लिटरली मैंने बजाई है उनकी कि ऐसा सब इशू आ रहा है। तो मैंने सिर्फ ये फेस नहीं किया, लाखों यूज़र्स जो हैं वो पोको एक्सू के उन्होंने ये फेस किया हुआ है। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक बहुत बैड है ये चीज़। एंड ये जो चीज़ है मतलब ये बहुत गलत है, क्योंकि इसमें आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट ही ये इशू आया है, एंड वो फिक्स भी नहीं कर रहे। अब पता नहीं उनका सेल जो है वो बहुत ही ऊपर गया, मैंने एक दूसरा वीडियो का रेफरेंस देखा था, तो ये वहाँ से मैं देख के बात करूँ कि उनका सेल गया हुआ है ऊपर, एंड उन लोगों को परवाह नहीं है यार। मतलब एक चलो ठीक है, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ फिर भी, मतलब मैं काम करता हूँ मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ, बट फिर भी पैसा तो पैसा होता है यार। आप ये फ़ोन कभी भी लेते हो तो मतलब 6-7 साल में एक बार यूज़ करते हो। इसके पहले मेरे पास वन प्लस था, एंड लिटरली मैं बोलूँ वो अभी तक चल रहा है। मैंने कुछ 4 साल यूज़ किया, अभी मेरी मॉम को लेके 2 साल हुआ, तो मतलब आप सोच सकते हो कि 6 साल हो गया फ़ोन को, एंड इट इज़ स्टिल द बेस्ट। मेरे पास वन प्लस 5 था मेरे पास, एंड पोको तो भाई साल भर भी नहीं टिका है। सो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था तो उन्होंने उठाया नहीं। मैं वापस से ट्राई करूँगा, एंड उसका चाहिए तो उसका और एक वीडियो डालूंगा मैं कि मैंने रिकॉर्डिंग में क्या बात किया क्या नहीं, अगर उन लोग ये एक्शन नहीं लेते हैं। सो आई एम फाइलिंग अ कंप्लेन अगेंस्ट पोको कंज्यूमर कोर्ट में। अब देखो मैं नहीं करूँगा, कोई ना कोई तो करेगा, ओके। एंड अगर सब लोग ने मिलके किया इसके ऊपर तो आई थिंक सो वो लोग लीगली एक्शन लेंगे इसके ऊपर, एंड उनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर कोर्ट तक आ जाती है तो चीज़ें आपको फिर पता है कि क्या होता है। सो दिस इज़ समथिंग मेजर जो ये फ़ोन के साथ हो रहा है। सो मैं गाइस बोलूँगा कि अभी के लिए फ़िलहाल पोको X2 मत लो, पोको ब्रांड ही मत लो, क्योंकि इतना सताया है मेरे को इस फ़ोन ने। 9-10 महीना अच्छे से चला ये फ़ोन, उसके बाद में जब मैंने नया जो अपग्रेड किया वो किया, उसके बाद में मेरे को ये इशू आने लगा। सो ये सिर्फ मैं ही नहीं फेस कर रहा हूँ, बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड आई होप पोको इस चीज़ के ऊपर जल्दी वर्क करे, बिकॉज मैं लिटरली फ़ैन हो गया था इस फ़ोन का, क्योंकि वीडियो क्वालिटी स्लो मोशन, एंड मैं इसको कलर ग्रेड भी करता था तो इसका जो वीडियो क्वालिटी था वो ड्रॉप नहीं होता था। मैंने लिटरली कलर ग्रेड किया हुआ है इसके फुटेज को। सो मेरा ऐसा था कि यार मतलब दिस इज़ समथिंग दिस इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट फ़ोन, आप सोच सकते हो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओके। एंड उसके बाद में अगर ये फिर भाई 8 साल भर के बाद अगर इसने ऐसा करे तो मतलब ये रायता फैला दिया भाई ने पूरा पोको ने।
देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। अगर अगर मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डालता भी हूँ इसके ऊपर, सो मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि अगर आपने भी ये चीज़ को फेस किया है तो आप लिख सकते हो कि आर यू फेसिंग द सेम थिंग। गाइज ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में, मैं जितना ट्राई कर सकता हूँ कि वीडियो नए नए लाते रहूँ इस चीज़ के ऊपर रिलेटेड टू पोको ही नहीं। मेरा जो चैनल है आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड देखते हैं गाइस जो भी होता है। मैं अगर कंप्लेन वगैरह भी करता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। एंड तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए आप लोग, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार दिखाते हो वीडियोज़ को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप लोग को इस चीज़ का जो वीडियो का अपडेट्स है वो रेगुलरली मिलते रहे। एंड गाइज मैं बहुत ही सारी चीज़ें नए चीज़ों के ऊपर प्लान आउट कर रहा हूँ बातचीत करने का जो दूसरे चैनल्स पे नहीं होता है, क्योंकि मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता ज़्यादातर। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं क्वालिटी कंटेंट अगर मैं बनाता हूँ तो वो लोगों के दिलों तक और उनके दिमाग तक अच्छे से पहुँचे। मेरा ऐसा नहीं कि बोलते ना कि मैं एकदम रेगुलर हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना कंटेंट जितना वैल्यू आपके लाइफ में ऐड कर सकूँ मैं करता हूँ, ठीक है गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल रहा हो। कि जो पोको है उसका जो भी अपडेट्स है अगर कुछ भी आता है तो मैं फॉर श्योर इन फ्यूचर वीडियो में बनाऊंगा। एंड तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल फॉर शोइंग मी सच सपोर्ट ऑन दिस चैनल एंड मिलते हैं तब तक।